देखें आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा और एक्सप्रेस स्पेशल में। सबसे पहले खबर बेमेतरा से, जहां बेमेतरा के जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित नवीन प्राथमिक पाठशाला का भवन पूरी तरह से जर्जर हो रहा है। जर्जर भवन में कक्षाएं लग रही हैं, छत झड़झड़ कर नीचे गिर रही है और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। नन्हे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दरअसल कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्कूल के शिक्षकों ने बताया है कि बरसात के दिनों में अचानक से स्कूल की छत भरभराकर गिर गई थी और लगातार ये क्रम जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी और पार्षद को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक मरम्मत राशि नहीं आई है। तो इस स्कूल को जो है मैं मौके पे जा करके जो है ना दिखा लेता हूँ, और उसके लिए यदि मरम्मत योग्य होगा तो उसकी मरम्मत के लिए राशि जारी करूँगा, और यदि डिस्पेंशन के लायक होगा तो परीक्षण करने के पश्चात जो है उसको डिस्पेंशन के लिए भी जो है शासन को लिख दिया जाएगा। और कुछ आप लोगों के द्वारा भी जो है पता चला है कि वहाँ पर अतिरिक्त कक्षा और जो सही सलामत है उस कक्षा में जो है टीचर स्कूल नहीं लगाते, और वो जो जर्जर भवन है उसमें जो है स्कूल लगाते हैं, तो उसको भी जो है उसको उसके लिए नए भवन में लगाने के लिए मैं निर्देशित। और ज्यादा जानकारी के साथ था दिलीप साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, आपने करीब से पूरे शासकीय स्कूल के हालचाल जाने हैं, क्या मौजूदा हालात है और किन किन से शिकायत अब तक की जा चुकी है? दिलीप देखिए बेमेतरा जिला का मुख्यालय का वार्ड क्रमांक 12 का मामला है, जहां नवीन प्राथमिक शाला है, जहां छत जर्जर हो गई है, कई दीवार टूटने लगे हैं, लेकिन अधिकारी कई बार आवेदन दे चुके हैं, वहां प्रिंसिपल है, कई बार बीओ साहब को या बीओ शिक्षा विभाग को कई अधिकारी हैं, उनको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ना अभी तक उनके ऊपर ना कुछ हुआ है, ना बस हवाले दिया जा रहा है, वो डिसमेंटल के लिए भेजे हैं, बिल नहीं आया है, बिल पास है, लेकिन उसको कई बार बोलते हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं पाया। कई नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो छत टपक रहा है उसके नीचे पढ़ते हैं। जी दिलीप, खबर ये भी है कि जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस बात की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं मिला है। जी दो बार हो गया पता रहे कहना है, मैं दो बार जिला शिक्षा अधिकारी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पीएस रूप जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। बोलिए मैडम जी। जैसा कि आपके संज्ञान में बात होगी, शिकायतें भी आपके पास आई होंगी कि बेमेतरा में शासकीय स्कूल के हालत जर्जर है। निर्देशित किया गया है वहाँ पर अतिरिक्त कक्षा है, उसमें जो है नहीं लगा रहे हैं। कहाँ इतनी लेट लतीफी हो रही है? कक्षा है वहाँ पे, और कुछ भवन जो है ना जर्जर हो गया है, तो जर्जर भवन में जो है उसको स्कूल लगाना नहीं है, उसके लिए निर्देशित भी किया गया है जी। लेकिन आपसे ऊपर भी अधिकारी होंगे, क्या उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है या फिर वहीं से कोई लेट लतीफी हो रही है? हाँ यहीं से भी होगी जो है, और मेरे से और बड़े अधिकारी और क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी से। बड़े अधिकारी समय समय पर जायजा लेने के लिए भी पहुंचते हैं या फिर खाना पूर्ति बस महज की जा रही है? अरे खाना पूर्ति नहीं मैडम, जो है हमारे पास 1266 स्कूल है, सभी स्कूलों में जैसे जो समस्या आती है तो उसको समाधान करने के लिए जाते हैं जी। लेकिन अभिभावकों की तरफ से भी कई बार शिकायत इस बात को लेकर भी की गई है कि जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि पहले बार जो है शिकायत किए थे तो मैं जो उसको निर्देशित किया था। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि शिकायतें महज 2-4 दिन पहले नहीं आई हैं, बहुत वक्त बीत चुका है और पहले भी भरभराकर छत गिर चुकी है, कि बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ध्रुव जी अभी आया हूँ, और जो है ना जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं। कितना समय हुआ है आपको आए हुए? मेरे 5 महीने हुए। 5 महीने आपको लगता है कि आप अभी आए हैं? 5 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। 5 महीने में मैडम आप जो है बोल रहे हैं पिछले साल का शिकायत बता रहे हैं ना, पहले बार 5 महीने में पहले बार ही आया है मेरे पास। चलिए निराकरण कब तक हो जाएगा, क्या उम्मीद की जाए? ये जो है इस बार मैं प्रस्ताव जो है भेजा हूँ जी, और वहाँ पे जो है अतिरिक्त कमरा भी है, उसमें जो है लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य शासकीय स्कूल में हो जाए, नहीं तो ये समझना गलत नहीं होगा कि किसी शायद बड़े हादसे का इंतजार ही प्रशासन अब तक करता आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए ध्रुव जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ स्वराज संवाददाता भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।